नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब हर कोई कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। इस बीच खबर है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजभवन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने आज अपना कोविड टेस्ट करवाया। उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो स्वस्थ है और उन्हें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। इसके बाद खुद राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। 80 साल के कलराज मिश्र ने अपने संपर्क में आए लोगों से अनुरोध किया है कि वो खुद को अलग कर लें और अपनी कोरोना जांच जरूर करवाएं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राज्यपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि इससे पहले ही हाल ही के दिनों में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। राज्यपाल के अकाउंट से अरबी में ट्वीट किया गया था। ये जानकारी राजभवन के सूत्रों की तरफ से दी गई थी। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक पिछले रविवार राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। उन्होंने बताया था कि हैकर ने कलराज मिश्र के ट्विटर हैंडल से अरबी भाषा में ट्वीट किया है। उनके अकाउंट पर अरबी भाषा में कुछ लिखा गया है जो बेहद ही अपमानजनक है। इसके साथ ही एक लव इमोजी भी बनाई गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।